of some persistent sense of large-scale ruin? We keep inventing hope. हेलो एवरीवन, मैं हूं जेसन रवि, सत्य और सिनेमा की आवाज और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम नोआ बाम्बाक की फिल्म व्हाइट नॉइस का रिव्यू करेंगे जो हाल ही में नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई है। ये डॉन डेलिलियो की बुक व्हाइट नॉइस का फिल्म अडेप्टेशन है। ये फिल्म में प्राइमरीली दो कैरेक्टर्स हैं, एडम ड्राइवर एज जैक ग्लैडनी जो एक प्रोफेसर हैं हिटलर स्टडीज के, और उनकी वाइफ ग्रेटा ग्रेगविक एज बैबेट। इन दोनों के चार बच्चे हैं और ये फिल्म तीन चैप्टर्स में डिवाइडेड है। चैप्टर वन, वेव्स एंड रेडिएशन। इस चैप्टर में हमको जैक, बैबेट और उनके बच्चों का इंट्रोडक्शन होता हुआ दिखाई देता है। That's mine from wives one and three. There's Babette's from husband two. Wilder is ours. We're each other's fourth. जैक थोड़े डरपोक दिखाए गए हैं और बैबेट एक दवाई ले रही होती है जिसका नाम है डायलर। लेकिन अगर कोई पूछे कि ये कौन सी दवाई है तो वो किसी को कुछ बताती नहीं और बातें घुमाने लगती है। चैप्टर वन के एंड में एक भयानक ऑयल टैंकर ट्रेन एक्सीडेंट होता है और फिर चैप्टर टू स्टार्ट होता है, एयरबॉर्न टॉक्सिक इवेंट। ट्रेन एक्सीडेंट के कारण टॉक्सिक गैस लीक होती है और सभी लोगों को वो एरिया इवैक्यूएट करने के लिए कहा जाता है। फैमिली को सेफ जगह पर ले जाते वक्त जैक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो जाते हैं। सेकंड चैप्टर देखकर पैंडेमिक की थोड़ी थोड़ी यादें ताज़ा होती हैं। फिर आता है चैप्टर थ्री, डायलरामा। इस चैप्टर में फाइनली रिवील होता है कि बैबेट कौन सी दवाई ले रही होती हैं और क्यों ले रही होती हैं। ये फिल्म फोकस करती है फियर ऑफ डेथ पर और कैसे सोसाइटी में लोग अलग अलग तरीके से उसे डील करते हैं, जैसे कि कंज्यूमरिज्म से, फार्मास्यूटिकल्स से, माइंडलेस एंटरटेनमेंट से, फेक न्यूज से, फेथ से वगैरह वगैरह। कैसे जैक, बैबेट और उनकी फैमिली ये गैस लीक और फियर ऑफ डेथ को हैंडल करते हैं, और वो कौन सी दवाई है जो बैबेट ले रही है, और कौन रहस्यमय आदमी उसे ये दवाई दे रहा है और किस शर्त पर, ये सब जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी नेटफ्लिक्स पर। फिल्म के राइटर एंड डायरेक्टर हैं नोआ बाम्बाक, जिन्होंने काफी अजीब तरीके से फिल्म बनाई है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है नोआ बाम्बाक, डेविड हैमन और उरी सिंगर ने। शुरुआत में ये फिल्म बहुत ही वियर्ड लगेगी, यानी अजीब लगेगी, कैरेक्टर्स भी वियर्ड लगेंगे, लेकिन टाइम के साथ आप उनसे रिलेट करने लगोगे। सिनेमा लवर्स को ये फिल्म डेफिनेटली देखनी चाहिए एक यूनिक टेक के लिए। एडम ड्राइवर और ग्रेटा ग्रेगविक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये फिल्म में कॉन्सेप्ट के अलावा जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करती है वो है इस फिल्म की अमेजिंग सिनेमाटोग्राफी और 60s-70s की गाड़ियाँ और कॉस्ट्यूम्स, सब सुपर्ब है। ट्रेन एक्सीडेंट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से शूट किया है। वी रिकमेंड दिस एज अ गुड वॉच ऑन अ रिलैक्स डे। तो वेल फ्रेंड्स, ये था नेटफ्लिक्स पे फिल्म व्हाइट नॉइस का रिव्यू आपके लिए। कैसा लगा ये कमेंट्स में बताना। अगर लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाई है तो गॉड ब्लेस यू, और नहीं दबाने का मूड है तो भी गॉड ब्लेस यू। रिव्यू को अजीबोगरीब सिनेमा के लवर्स के साथ शेयर करना। फिलहाल के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया और जय हिंद। All we have to do is stay out of the way. They're passing us, Dad. Technically, that's illegal.